ये जो करेला है उसको संरक्षित खेती कर सकते हैं, लेकिन उसके मतलब है आप नेट हाउस और पॉली हाउस में भी ये खेती कर सकते हैं। जो संरक्षित खेती हम करते हैं नेट हाउस और पॉली हाउस में, साल में आपको 3 बार कर सकते हैं। करेला बहुत पौष्टिक आहार है जिसको आपने सब्जी का आकार में यूज़ कर सकते हैं और जूस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जिसको आजकल डायबिटीज़ के लिए सबसे बेस्ट हो गया कि करेला का जूस सुबह पीते हैं लोग। हमारे पूसा संस्थान ने विकसित किया है पूसा रसदार, ये सबसे पहला वैरायटी है जो पूसा संस्थान ने विकसित किया है, उसको पूसा रसदार कहेंगे। उसमें जो फल है शिमला मिर्च की तरफ है और एक एक फल जो है 100 से 150 ग्राम करीब होता है और इसकी जो गुद्दा है वो बहुत अच्छा होता है, नरम होते हैं, जिससे कि आपको जूस जो है अच्छा निकलती है और इस गुद्दे में से कम जो है 80 से 85% कम से कम जूस मिलती है। इसको पहले जो आपने नेट हाउस और पॉली हाउस में कम से कम जो फरवरी मार्च के महीने में आपको नेट हाउस में लगाना पड़ेगा और उसके बाद फिर आपने जुलाई या अगस्त महीने में फिर ले सकते हैं, जो कि आपका खरीफ सीजन में उसको ले सकते हैं और फिर ठंड के मौसम में उसको आप नवंबर दिसंबर में पॉली हाउस में लगा सकते हैं। जैसे नेट हाउस में है तो 100 वर्ग मीटर में कम से कम आपको 100 से 150 पौधे मिल जाएंगे और जिसके से एक पौधे में 2 से 2.5 kg तक आपको फल मिलेगा और जिससे कि आपको 3 से 4 क्विंटल तक आपको जो फल एक 100 वर्ग मीटर में आपको मिल जाएगा। और इसके लिए आपको जो पहले जो नेट हाउस है उसको अच्छे से तैयार कर लीजिए और उसके बाद ड्रिप इरिगेशन सिस्टम भी लगा सकते हैं और जो पंक्तियों का दूरी है जो आपने पौधे लगाएंगे उसके आपने कम से कम 50 सेंटीमीटर दूरी रखें और पौधे से पौधे 25 से 30 सेंटीमीटर दूरी रख सकते हैं। तो पर परागण में आपको खुद ही हैंड पॉलिनेशन करना पड़ता है क्योंकि जो पॉली हाउस और नेट हाउस होता है उसका अंदर में कोई मधुमक्खी नहीं रहते हैं, तो इसको आपको खुद ही हाथ में परागण करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको नर और मादा पहचानना जरूरी है। नर फूल को तोड़ के मादा में उसके ऊपरी भाग में उसको लगाना पड़ेगा जिससे कि फल वो बन जाता है। तो फल के लिए कम से कम जब परागण आप करेंगे तो उसके 8 से 12 दिन के अंदर ये फल बड़ा हो जाता है। जो हमने पूसा रसदार के बारे में बता रहे हैं ये 45 दिन से शुरू हो जाएगा आपका तुड़ाई, तो 45 दिन से 90 दिन तक आपको 1.5-2 महीने तक आप उसको तुड़ाई कर सकते हैं और बाजार में बेच सकते हैं। तो इसके आप जब बेचेंगे बाजार में इसकी कम से कम आपको 100 स्क्वायर मीटर में 11 से 12 हज़ार आपको प्रोडक्शन रुपये के आमदनी हो सकती है और इसमें लागत जो है 4 से 5 हज़ार प्रति सीजन में लगती है, तो कम से कम 8 से 10 हज़ार का जो प्रॉफिट आप एक सीजन में ले सकते हैं और साल में 1 वर्ग मीटर में कम से कम 30 से 40 हज़ार तक आपको उसका जो प्रॉफिट ले सकते हैं।